समूचा उत्तर भारत इन दिनों शीत लहर की चपेट में है। पारा लगातार गोते लगा रहा है, बर्फीली हवाएं मुश्किलें बढ़ा रही हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक विक्रम सिंह के मुताबिक राज्य के कुछ इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावनाएं हैं। इसके चलते उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और देहरादून के पर्वतीय इलाकों में बारिश व बर्फबारी की संभावनाएं हैं। बता दे चले, इस सर्दी की वजह से धर्मनगरी हरिद्वार भी इन दिनों शीत लहर की चपेट में आ चुका है। यहां तो पारा माइनस में पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम 10.5 और न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस हरिद्वार में दर्ज किया गया है, जो कि अब तक का न्यूनतम तापमान है। वहीं आपको बता दें, पिथौरागढ़ जिले में भी बगैर वर्षा के ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। धारचूला तहसील की चीन सीमा से सटे गांव गुंजी और कुटी में प्राकृतिक जल स्रोत जमने लगे हैं। रात में पारा 13 डिग्री तक पहुंच रहा है। वहीं इन इलाकों में हिमपात शुरू नहीं हुआ, हिमपात के बाद पारा और नीचे जाने की आशंका है। क्षेत्र के तमाम प्राकृतिक जल स्रोत सुबह से ही जमे हुए मिल रहे हैं। वहीं इस समय इन इलाकों में सुरक्षा बलों के अतिरिक्त इक्का दुक्का परिवार ही बचे हैं। अधिकांश परिवार ठंड के चलते इन घाटियों से माइग्रेशन कर चुके हैं। उत्तराखंड में बेहद बुरा हाल है। कोहरे की वजह से गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। धुंध और कोहरे से लोग ठिठुर रहे हैं। पूरा उत्तर भारत इन दिनों शीत लहर की चपेट में आ गया है और पारा दिनों दिन लगातार लुढ़कता जा रहा है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।